लोग शायद एक घंटा पहले आप लोग के पास आए थे चेयरमैन साहब का मीटिंग के बारे में। सैटरडे से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब का हम लोग को मीटिंग चाहिए। जो आदमी ने ये डिसीजन दिया है वो आदमी हमको ये डिसीजन दे सकता है कि हॉस्पिटल कैसा चलना है और आगे का क्या क्या प्लान होना है। वो चीज़ के लिए सैटरडे से जितने स्टाफ है आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन के साथ में हम लोग को मीटिंग चाहिए। अभी आधा घंटे पहले हम लोग 10-20 लोग जो भी तीनों कमेटी और जो भी और बाकी लोग आके आपके साथ में रिक्वेस्ट किए कि भाई चेयरमैन का हम लोग को मीटिंग चाहिए। आप लोग ने हमको बात किया कि मंडे को चेयरमैन साहब हम लोग को मिलेंगे करके। हमने आपको दूसरा रिक्वेस्ट ये दिया था कि जब तक चेयरमैन साहब मंडे को मिलेंगे, सब कामगार मंडे को मिलने के लिए उनको एग्री है, तब तक के लिए एडमिशन चालू रखो, एडमिशन बंद करना नहीं है। जैसे चेयरमैन साहब आ जाएंगे उसके बाद में जो भी डिसीजन रहेगा कामगार लोग के सामने वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आधा घंटा पहले मेरे को मोहित कपूर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि रफीक सर का उनको फ़ोन आया था, रफीक सर ने रिक्वेस्ट किया है कि सेम ये मंडे को चेयरमैन साहब का मीटिंग अरेंज करो और एडमिशन बंद करो करके। आज के बाद मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, रफीक सर को इन्फॉर्म करो, कपूर साहब को इन्फॉर्म करो, पप्पू साहब को इन्फॉर्म करो और जो भी बाहर के लोग इन्फॉर्म करो, यहाँ पे तीनों कमेटी में से किसी को भी मेहरबानी करके फ़ोन करना नहीं, जो भी बात करना यहाँ पे सामने आओ और सबके सामने बात करो। हमको आज भी हमको ये चीज़ के बारे में हमको जरा भी कुछ भी हमारे तरफ से गलत काम नहीं करना है। तो ये तो हमको कोई भी एग्री नहीं है, ये कोई एज ए यूनियन लीडर यहाँ पे कोई लीड नहीं कर रहा है, ये सब कामगार है, कामगार का तकलीफ है, तकलीफ के बारे में उनको आंसर चाहिए। आज हमको किसी भी हालत में ट्रस्टीज जो भी चेयरमैन साहब है हमको उनका मीटिंग चाहिए, नहीं है तो आज से जो भी है पेशेंट्स एडमिशन लेना चालू कर दो। क्योंकि जहां आज के टाइम पे हमारे हॉस्पिटल से जितने लोग हैं सैटरडे से बहुत से लोगों ने खाना नहीं खाया है, बहुत से लोग ने नींद नहीं हुई है, तो आज के टाइम पे हमारे कामगार में से आधे से ज़्यादा कामगार है ना अनफिट होते जा रहे हैं। 3-4 कामगार तो ऑन ड्यूटी चक्कर आके गिर गए हैं। तो अगर ऐसा ही सिचुएशन चालू रहेगा तो भाई जो भी कामगार है जैसे ही किसी को कुछ तकलीफ हो जाएगा वो सीधा जाके एडमिट होना स्टार्ट कर देगा। तो मेहरबानी करके किसी को भी बोलो वहाँ से फ़ोन करके यहाँ पे बात नहीं होने वाली, जैसे आप फेस हो रहे वैसे सामने यहाँ पे आके फेस हो जाओ। और जो भी आप बात कर रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं या तो स्पीकर पर रखिए और सबके सामने क्या बात हो रहा है वो सबको बताइए। इसके लिए आपको हम लोग कल भी शायद गए थे, आपको हमने ये बोला था आप लोग जो जिनेवा को मेल भेज रहे हैं या जो बात कर रहे उसका हार्ड कॉपी हम लोग को भी चाहिए, बराबर है? आप लोग ने एक भी हार्ड कॉपी हम लोग को उनकी तरफ से दिया नहीं है। हमको आज भी ऐसा लग रहा है, हमको आज भी ऐसा लग रहा है आप लोग दोनों झूठ बोल रहे, आप लोग यहाँ का सिचुएशन चेयरमैन साहब को बता नहीं रहे या जिनेवा को बता नहीं रही है। क्योंकि प्रिंस अलीकान जो यहाँ के हमारे जो हम उनको भगवान मानते हैं वो कहीं भी किसी भी हालत में हमारे लोगों को रास्ते पे नहीं लाएंगे। हमको सब कामगार को प्रिंस अलीकान जो हम उनको भगवान मानते हैं उनके ऊपर सबको ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट है तो सैटरडे से अभी तक हमारे लोगों को सही जवाब हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये चाहते हैं कि हम रास्ते पे आ जाए? ये चाहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे फैमिली कहीं जाके सुसाइड करे? ये चाहते हैं कि हमारे जो हमने आज तक हमारे खून पसीने से जो लोगों ने प्रिंस अलीकान हॉस्पिटल को खड़ा किया है वो प्रिंस अलीकान हॉस्पिटल को हमारे सामने ढांचे से गिराया जाए? अगर गिराना है तो पूरे जितने हमारे कामगार है हमारे कामगार के फैमिली है उनको गिराओ। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनमें से जो भी है यहाँ पे सामने आके बात करें। अब ऐसे सिचुएशंस में किसी को कुछ कम ज्यादा हो जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब रहेंगे। आज जितने कामगार जो 1000 कामगार उसकी फैमिली है सबके सब पैनिक में है। खुदा ना खास्ता किसी को कम ज्यादा हुआ, किसी को हेडेक आया, कोई मर गया तो हम उसका रिस्पॉन्सिबल हम चेयरमैन साहब को बोलने वाले हैं। क्योंकि सैटरडे से अभी तक उन्होंने कोई भी कामगार को सही आंसर नहीं दिया है। अगर उनको आने को तकलीफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमको हम उनकी इज्जत करते हैं। हम सब जितने कामगार हैं उनके घर पे जाके मिल लेते हैं। जैसे हम सीएम साहब के पास टाइम ले रहे हैं, हम सीएम साहब के पास जाके मिलने वाले हैं, प्रकाश अम्बेडकर के साथ हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है उनके साथ जाके हमको मिलने वाले हैं, वैसे हम उनको जाके मिलेंगे। हमको आज मेहरबानी करके आज के आज आप लोग किसी भी हालत में इसका हमको आंसर दे दीजिए।
आपकी बात हुई सर, बिकॉज जब हम लोग आए थे आप बोले आधे घंटे में जवाब देंगे। हमारी बात हुई जी, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मंडे को मीटिंग करते हैं। मंडे तक का 20 जो पेशेंट है उसको तो फूंगा सबका हॉस्पिटल से बना के उसको खाली करने का वो भी सब प्लान सर्च हो गया होगा, तो उसके बाद क्या अचार लगाएगा हॉस्पिटल को, कोई है ही नहीं उधर। ठीक है, लेकिन आपने सेकंड ऑप्शन बताया कि एडमिशंस का, हां वो भी बोले हम लोग, बट ही सेइंग दैट वो जो सिचुएशन रिपोर्ट के हिसाब से थी वो नहीं कर पाए। सिचुएशन रिपोर्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग को बाकी लोगों को कंसल्टेंट लोगों को क्यों ना बोला जा रहा है? एक 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 बोला ना कोविड का ऑप्शन है ना, कोविड वार्ड ओपन करते हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ओल्ड कैजुअलिटी है तो वो तो कर सकते हैं ना, कोविड के पेशेंट हम लोग ओल्ड कैजुअलिटी में डालते हैं, वहाँ पे 12 बेड मिलेगा अपने को आईसीयू प्लस वार्ड, वो ऑप्शंस क्यों नहीं मान रहे सर? डायलिसिस डिपार्टमेंट हम लोग चालू कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, डायलिसिस इंडोस्कोपी है उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। उनको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी सर, 900 पीपल आर अपीलिंग, तो वो तो उतना सुनना चाहिए उन्होंने। जब तक फेस नहीं होते तब तक काय के लिए बंद रखना है सर, कोई फंक्शन तो करने दे हॉस्पिटल को, थोड़ा बहुत ओपीडी जो है वो उनको तो मतलब वो भाग रहे हैं, जो डैमेज पोर्शन है उसको अलग से रखो, लेकिन जहाँ पे हम कर सकते हैं वो क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं? वो कंटिन्यू करना जरूरी है ना सर, वो तो कर सकते हैं ना। ये आपने ऑप्शन दिया उनको, उनको जो अपना उनको बताया कि ये टॉक्सिंस के ये ऑप्शंस प्रपोज कर रहे हैं, वो मिलेंगे तभी वी विल डिस्कस, अभी वो दो हफ्ते के बाद मिलेगा तो तब डिस्कस करेंगे सर। सर अभी तक ना हम लोग को हॉस्पिटल अपना अपना घर समझ के बैठा, इसके लिए हम लोग अंदर अंदर ही बात कर रहे हैं। जो दिन आप लोग आंदोलन उतरेगा ना, पूरा आपका महाराष्ट्र को उतर के ना पूरा हॉस्पिटल को वाट लगाएगा, और जो जो उसका अंदर जो जड़ीधर अंदर आए ना, कौन कौन अंदर सबको बाहर खींचूंगा। फिर ये खेलना बंद कर दो, अभी आप लोग जो खेल रहे ना ये बंद कर दो आप लोग को। अभी हम लोग जो दिन मोर्चा में बैठेगा ना पूरा आपका महाराष्ट्र को लेके बैठ जाऊंगा, फिर पूरा रोड भी सब प्लाक करूंगा। ऐसा मत सोचो कि प्रिंस अर्गन में बैठूंगा, रोड में बैठ के पूरा अक्का महाराष्ट्र के मीडिया में सबको बता दूंगा। ये आप लोग जितना सोच रहे हैं अपना घर समझ के बैठ रहे, वो आप लोग अपना घर समझ के कर रहे, इसलिए शांति से करो। नहीं करना है पूरा पब्लिक लेके इधर नहीं बैठूंगा हॉस्पिटल में, जो ये बिल्डिंग बन ना इसका भी काम नहीं करने नहीं दूंगा, पूरा रोड में बैठ के पूरा चारों तरफ से प्लाक कर दूंगा। ये अपना से किधर जाना है क्या करना है वो अपना से हो जाएगा सर। दिल्ली तक पहुंचाऊंगा, इतना बड़ा मैटर कर दूंगा। लेकिन रिपोर्ट सर ये बिल्डिंग का है, आप लोगों को वार्ड कैजुअल्टी में चालू करने में क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्ट की तुम बात कर रहे हो तो ये बिल्डिंग का है, कैजुअल्टी का तो नहीं है ना। कैजुअल्टी अलग की बात कर रही है, पेशेंट लोगों की अलग बात है, नया एडमिशन लेने के लिए उनको प्रॉब्लम है, बाकी सब जो चालू है बाकी स्टाफ है वहाँ पे उनको उनके बारे में क्या प्रोविजन किया है वो? उसको अगर स्टाफ वहाँ पे खड़ा है और बिल्डिंग गिरेगी वो चलेगा उनको? पेशेंट है, पेशेंट के लिए उनको फिक्र है, और बाकी स्टाफ है बाकी बाकी जो ये है चीजें है उसके उसके बारे में क्या प्रोविजन है? सिर्फ न्यू एडमिशन बंद एडमिशन बंद एडमिशन बंद यही लेके बैठे हैं। ये क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या समझने का ये सब चीज का? सर बात कर रहे हैं एडमिशन बंद बस, कंसल्टेंट लोग को बोला गया है कि आप ये नहीं करना है करके, और बोला वैसे गया अभी भी पेशेंट एडमिट है ही, बोला गया है हर एक डिपार्टमेंट का सामान वापिस जो है रिटर्न उनको रिटर्न कर रहे हैं, सामान रिटर्न कर रहे हैं। अरे इन लोग की दिमाग में यही है कि हॉस्पिटल बंद कर रहे, कोई सामान रिटर्न नहीं हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग का हमने देखा दो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने बोला रेगुलर रिटर्न तो जो है सर, रेगुलर एक्सरे का सामान एक्सरे फिल्म वो रिटर्न गई है कि वो रेगुलर नहीं है सर, अगर बिल्डिंग का प्रॉब्लम है ये सामान सब आप इस बाहर दे रहे हैं, इसका अंदर क्या है क्या बटन हमको भी हमारी पाजी हर एक डिपार्टमेंट में से इन्वेंटरी मांग रहे हैं नर्सेस से, हर एक डिपार्टमेंट से इन्वेंटरी सादा सिंपल एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर एक मिनट सर एक काम करो, जब तक चेयरमैन नहीं आता है तब तक पेशेंट उधर भर्ती करो, चेयरमैन आने के बाद जो डिसीजन होता है उसके बाद हम लोग सब तैयार है बात करने के लिए, हम लोग तैयार है। तो चेयरमैन आज या कल तक बुलाओ, नहीं तो पेशेंट आज 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 आज
आज बुला चेयरमैन को, नहीं आ रहे मेरे घर ही जाऊंगा भाई सर, कल घर पे उनके सीधा घर पे जाएंगे, टाइम नहीं था हमारा टाइम है सर, देख बीडी ये बाजू वाले बिल्डिंग कौन सा आलियाबाद बिल्डिंग है ना, अमीनाबाद अमीनाबाद उधर उसके बाजू में काम चालू है ड्रिलिंग का पूरा खोद काम, वो बिल्डिंग लूज नहीं हुए, वो बिल्डिंग गिरने वाले ने, अरे वो बिल्डिंग का तो कितना स्लैब गिर गया ये हम लोग को मालूम है, और ये बिल्डिंग का एक भी स्लैब गिरा नहीं, खाली चार माले का ऊपर लेके से खाली गिरा है, वो भी रिपेयरेबल है, सभी आप कर नहीं रहे, अरे एक टाइम डम्बर भी नहीं लगाया, खाली दिखावा कर रहे हैं, एक मिनट खाली दिखावा कर रहे हैं, तो अगर बिल्डिंग गिरा नहीं तो वो बिल्डिंग गिरो ना पहला, अमीनाबाद बिल्डिंग गिराओ पहला, देखो वो लोग खाली होते क्या, वो क्यों नहीं गिराते बिल्डिंग, खाली हॉस्पिटल के लिए क्या प्रॉब्लम आप लोग को सर, अगर आज का आज आप नहीं बुलाते हैं रिपेयर होना है, आपके दिल में अगर सर के लिए कामगार के लिए दया है और उनका परिवार उनके लिए दया है तो आप रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कौन सा जूना बिल्डिंग नहीं है, हमारे बीआईटी का 100 साल हो गया तब भी रिपेयर करके खड़े है, इधर ऐसा कुछ भी है नहीं, एक काम करो चेयरमैन को बुलाओ, आपने बोला चेयरमैन, आपने बोला चेयरमैन मंडे को मिलेंगे, ओके तब तक आप एडमिशन चालू कर दो, बस बस फाइनल है, अभी हम लोग चेयरमैन को मंडे मिले, वो चेयरमैन बोल रहे हैं साला मेरे घर में आने वाले होते हैं, भाई कला पुलिस चौकी में उसने कंप्लेंट किया, भाई कला पुलिस चौकी से बोला है, क्या बोल रहा है, बोला मेरे घर में कोई आने वाले सब कामगार आएगा ना, बोला ऐसा रुक रुक उनको बोला ऐसा कोई है ही नहीं, हमने खाली बोला है चेयरमैन को, मैनेजमेंट से बात किया, चेयरमैन को इधर बोला हम लोग को मीटिंग करने है, तो आपके सामने बात किया पुलिस स्टेशन में भी फोन करें, एक मिनट यार, आपके सामने कल बात हुआ, हमको चेयरमैन से कुछ नहीं चाहिए, चेयरमैन को यहाँ बोला हमको बात करना है, उससे अलावा हमने क्या बात किया, तो झूठा कम्प्लेंट क्यों दिया, आप सबूत है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में आके बोलना है, इन्होंने ऐसा कोई भी आवाज बोला नहीं है, ये फोन आया इसके लिए आपको आना है, अभी के अभी आना है हमारे साथ में, हमारे कमदार ने हमारे से इतना ही बात किया कि चेयरमैन को यहाँ बोला, कोई घर पे जाने का बात नहीं किया है, अगर किया है तो हमको रिकॉर्डिंग बताओ, ये झूठा कंप्लेंट देना गलत बात है सर, अभी के अभी आपके से कोई भी आना है, अभी नहीं या तो आप राइटिंग में भी लेटर लेके कोई भी बंदा हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चलो, ये गलत इन्फॉर्मेशन मिला है पुलिस स्टेशन राइटिंग में, सुनो वो हम लोग वही चेयरमैन को हम लोग वही बोल रहे हैं ना, वो सामने वाले तो पेशेंट भर्ती करो, आप बता रहे उनको खड़ा हो जाए, तो वही रिप्लाई अभी कामगार लोग का रिप्लाई ये है भाई, उसको बता सामने बुलाओ बाद में पेशेंट, जब तक वो नहीं आता तब तक पेशेंट आप बोलो इमरजेंसी चालू कर दो, एडमिशन चालू कर दो, सर एडमिशन चालू कर दो, कुछ नहीं करना है, एडमिशन चालू करो खत्म बात, एडमिशन चालू कर दो, उसके बाद में जो भी रहेगा वो हिसाब से मंडे को आना है तो मंडे को हम लोग मिलेंगे, हम कहाँ ना बोल रहे हम कोई भी हमारा स्टाफ ये नहीं बोल रहा है कि मंडे को कुछ प्रॉब्लम है, एडमिशन चालू करो, क्योंकि ये जो 900 कामगार है, 900 कामगार की फैमिली है, उनके रिलेशन से सब पैनिक में है, सैटरडे से पैनिक में है, कुछ कम ज्यादा होगा उसके बाद में आप एडमिशन बंद करेंगे, अगर आदमी मर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, चेयरमैन साहब रहेंगे नहीं ना, तो एडमिशन चालू करो ना, एडमिशन चालू करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो भी अनको वार्ड में चालू करो, जूना ओपीडी में चालू कर दो, उसके बाद में अपना इमरजेंसी है वहां पे चालू करो, और वो चालू करने के लिए हमारा पूरा कामगार आपको सपोर्ट करेगा, चार पेशेंट का भला हो जाएगा, दो पैसा हॉस्पिटल को मिलेगा, दो जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको लगेगा कि भाई मेहनत का ले रहे करके, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, इसमें कौन सा लॉ है, उसमें क्या चीज है, सर आप जाइए उनसे बात कीजिए, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, अगर यहाँ बात करना है तो यहाँ बात करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सर, पुलिस चौकी का मैटर है, पुलिस चौकी जा रहे हैं, देखो चेयरमैन साहब को हम लोग है ना, हम लोग जो भी जाएंगे मिलने के लिए जा रहे हैं, आज एकनाथ शिंदे साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं, कमेटी जा रही है, तीनों कमेटी मिलके जा रही है, हम यशवंत साहब जादव साहब के पास गए थे, तीनों कमेटी मिलके गए थे, हम मनोज
के साहब के पास जा रहे, तीनों कमेटी मिलके जा रही है कि भाई हमारे ऊपर ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको इसका सही जवाब दो। अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब सही है, आप लोग हमको गलत मैसेज दे रहे, तो हम चेयरमैन साहब को जाके वहां पे मिलेंगे और वो जो भी कमेटी रहेगा या जो लोग रहेंगे वो जाके मिलेंगे, और वो उनके ही लोग है। उस दिन तो पप्पू भाई बोल रहे थे नहीं मेरी फैमिली है, तो फैमिली को मिलने को चेयरमैन साहब को क्या तकलीफ है, यहाँ मिले वो घर पे मिले कहीं पे मिले। अरे पप्पू भाई तो इतना साल से एग्रीमेंट खुद को कर रहा था, सब कुछ खुद कर रहा था, हॉस्पिटल अपना अंदर में लिया था, अभी किधर गया पप्पू भाई, अभी किधर गया पप्पू भाई, पप्पू भाई बोल रहे ना झूठ झूठ के ना सर, झूठ झूठ के ना, वर्ड्स इधर के उधर के ये करके है ना, लोगों को फंसाओ मत। चेयरमैन साहब को बोलो कि ये सब मत करो, सामने आ जाओ या तो एडमिशन चालू करो। बहुत सारे लोग पैनिक बे सर, कुछ कम ज्यादा होएगा और एडमिशन बंद होएगा और एक आध आदमी मर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, यहाँ का जो मैनेजमेंट अभी है वही रहेंगे ना। दस मिनट बात करो, हम लोग सब इधर बैठे।